Welcome back to our channel Realty 360 Degree. This is your host cum property advisor Jolly Yadav. And guys, आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16B में Civitec Santini Spaces for Happiness. It's an under construction commercial project that is being developed by the Civitec Group. इस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर रिनाउंड हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने किया है. प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है. लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था एंड इसके पोजेशन की हम बात करें तो अब से 4 साल बाद इसका पोजेशन ऑफर कर दिया जाएगा. इस प्रोजेक्ट में आपको 4 कॉन्सेप्ट्स पर प्रॉपर्टीज मिलती है जिनके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ. This project is situated on 130 meter wide road. ये रोड आपका गौर सिटी से चलता हुआ यहाँ पर आ रहा है एंड गौर सिटी इज अराउंड 500 meters फ्रॉम दिस लोकेशन. इनफैक्ट ये पूरा जो बेल्ट है ये पूरा कमर्शियल बेल्ट है जिसे कि ग्रोथ बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है. इस लेन में अप्रोक्स आपके 13 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि जिनमें से कई डिलीवर्ड हैं एंड कई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं एंड वन अमंग देम इज Civitec Santini. इस लोकेशन से अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करती हूँ तो कनेक्टिविटी काफी अच्छी है. जैसे कि मैंने आपको बताया गौर सिटी सेंटर इज अराउंड 500 टू 600 मीटर्स फ्रॉम दिस लोकेशन. तो गौर सिटी से आगे आपका आ जाता है नोएडा. नोएडा इज अराउंड 5 मिनट्स फ्रॉम दिस लोकेशन एंड NH24 की कनेक्टिविटी मिलती है आपको. FNG एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलती है. बोथ आर अराउंड 7 to 8 मिनट्स फ्रॉम दिस लोकेशन. उसके साथ साथ ग्रेटर नोएडा परी चौक की भी कनेक्टिविटी है. परी चौक इज अराउंड 20 मिनट्स फ्रॉम दिस लोकेशन. एंड अगर मैं आसपास के एरियाज की बात करूं तो यहां पर मेजरली आपको रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ही मिलेंगे. विद इन 1 किलोमीटर यहां पर अराउंड 30,000 फ्लैट्स हैं, 30,000 अपार्टमेंट्स हैं, जिनमें अप्रोक्स 1 लाख की पॉपुलेशन यहां पर रह रही है. सो फुटफॉल यहां पर आपको काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा. And guys, this is the model of the project Civitec Santini. ये आपका corner plot पे develop हो रहा है. 3-side open plot रहेगा. अगर मैं total area की बात करती हूँ, so the project is being developed in 4 acres of land area. Project में आपकी 3 entrance and exits हो जाएंगे. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉल के बारे में. This is your mall. ये आपका मॉल रेडी होकर इसका elevation इस तरह से दिखेगा. आपको मॉल में ट्रिपल हाइट की एंट्रेंस लॉबी एरिया मिल जाता है. लोअर ग्राउंड से सेकंड फ्लोर तक यहाँ पर आपके रिटेल स्पेसेस रहेंगे एंड थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर पर आपका फूड कोर्ट, बार एरिया, रेस्टोरेंट्स, मल्टीप्लेक्स एंड गेमिंग जोन रहेगा. फिफ्थ फ्लोर इज योर सर्विस फ्लोर एंड 6th to 9th floor विल बी फॉर ऑफिस स्पेसेस. 10th floor पर आपका आ जाता है क्लब हाउस जिसमें आपको मिल जाती है मल्टीपल अमेनिटीज जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी. 11th floor इज अगेन अ सर्विस फ्लोर एंड 12th floor से आपके 32nd floor तक आपको मिल जाते हैं यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट्स. फुली फर्निश्ड यहाँ पर स्टूडियोज रहेंगे जिनकी डिटेल्स हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. एंड दैट्स नॉट ऑल. प्रोजेक्ट में आपको मिल जाता है एक हाई स्ट्रीट कमर्शियल जो की आपका बैक साइड में रहेगा एंड ये आपका लो ग्राउंड प्लस 3 के एलिवेशन के साथ रहेगा. वन थिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज द विजिबिलिटी. हाई स्ट्रीट में जितने भी आपकी शॉप्स रहेंगी उनकी 100% विजिबिलिटी रहेगी. पीछे आपका पूरा रेसिडेंशियल एरिया रहेगा. गाइस, दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड विद माय वन फ्रेमवर्क. सबसे पहले मैं आपको यहाँ की कंस्ट्रक्शन साइट दिखाना चाहूंगी, कंस्ट्रक्शन का अपडेट देना चाहूंगी. सो सबसे पहले हम चलते हैं एक्चुअल साइट पर. जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रोजेक्ट आपका 4 कॉन्सेप्ट्स पर डेवलप किया जा रहा है. प्रोजेक्ट में आपको मॉल, ऑफिस स्पेसेस, स्टूडियो अपार्टमेंट्स एंड हाई स्ट्रीट सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती हैं. इनफैक्ट मॉल की स्पेशलिटी ये है कि दिस इज वन अमंग द 3 मॉल्स इन दिस लेन जहाँ पर आपको सेंट्रलाइज्ड AC मिल रही है. जी हाँ, पूरा मॉल आपका सेंट्रलाइज्ड AC रहेगा एंड उसके साथ साथ ये पूरा मॉल आपका लीज बेसिस पर रहेगा. 100% ये लीज्ड आउट रहेगा. तो इसमें आप कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते हैं. ऑल्दो फूड कोर्ट में यहाँ पर यूनिट्स थी बट वो भी अब सोल्ड आउट हो चुकी हैं. अभी यहाँ पर मेजरली यूनिट्स हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स एंड ऑफिस स्पेसेस में है. साथ ही साथ हाई स्ट्रीट में भी आपको यूनिट्स मिल जाएंगी. काफी यूनिट्स अभी उसमें भी बाकी है सेल होने के लिए.
ऑफिस स्पेसेस की बात की जाए तो ऑफिस स्पेसेस में यहाँ पर काफी अच्छे साइजेस मिल जाते हैं। साइजेस आपके लिए स्क्रीन पर मेंशन है एंड यहाँ पर आप मैक्सिमम अपनी विश के अकॉर्डिंग साइजेस ले सकते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट्स में भी आपको साइजेस काफी मिल जाते हैं एंड साइजेस आपके लिए स्क्रीन पर मेंशन है एंड ये आपके फुली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट्स रहेंगे जिनको प्रीमियम सेगमेंट की तरह डेवलप किया जाएगा। लग्जरी स्टूडियो अपार्टमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर डेवलप किया जाएगा एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स के अंदर आपको फर्नीचर के साथ साथ डेकोरेटिव आइटम्स भी मिलेंगे, वो भी आपको पूरा इंक्लूडेड रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपके ऑफिस स्पेसेस एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स के रेसिडेंट्स के लिए जो ओनर्स हैं उनके लिए अमेनिटीज भी मिल रही हैं। डेडिकेटेड आपकी अमेनिटीज रहेंगी जैसे कि क्लब हाउस आपका रहेगा जिसमें आपकी सारी फैसिलिटीज रहेंगी, इंडोर गेम्स आपके प्रेजेंट रहेंगे, बैंकेट हॉल आपको मिलेगा, किड्स प्ले एरियाज उसमें रहेंगे एंड जिमनेजियम आपका रहेगा। विद दैट देयर इज आल्सो अ स्विमिंग पूल, यहाँ पर आपको इन्फिनिटी स्विमिंग पूल मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाई स्ट्रीट पर अगर हम आते हैं तो हाई स्ट्रीट आपका बैक साइड पर रहेगा एंड वहाँ पर आपको 100% विजिबिलिटी मिल जाती है। जितनी भी आपकी शॉप्स हैं एक्सेप्ट फॉर दी लोअर ग्राउंड फ्लोर शॉप्स, सभी की विजिबिलिटी 100% है। पीछे पूरा आपका रेसिडेंशियल एरिया है सो यहाँ पर जो हाई स्ट्रीट है वो रेसिडेंशियल एरिया को कैटर करने के लिए है क्योंकि एज सच बैक साइड पर यहाँ पर कोई भी मॉल प्रेजेंट नहीं है, कोई भी कमर्शियल प्रेजेंट नहीं है तो ये यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं ये उनके लिए डेवलप किया जा रहा है। So guys, that was all about our today's project, Civitec Santini, that's located in Sector 16B, Greater Noida West. Aapko ye project kaisa laga? Do tell us in the comment box. Guys, is puri lane mein around 13 commercial projects hain. So ek mind mein ek question aata hai ki agar aap Civitec Santini mein invest karna chahte hain, to aakhir kare kyun? Is project mein aisi kya khaas baatein hain? So well guys, ye project पूरा आपका वास्तु कंप्लाइंट है। यहाँ पर आपको लॉबी काफी अच्छी, काफी स्पेशियस लॉबी मिल जाती है, ट्रिपल हाइट लॉबी एरिया यहाँ पर मिल जाता है। इनफैक्ट हम साइजेस की भी बात करें तो दो साइजेस काफी ग्रैंड मिल जाते हैं। हाई स्ट्रीट में यहाँ पर शॉप्स के साइजेस काफी बड़े हैं तो जो लोग खुद का अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि एक छोटी शॉप में 200-300 स्क्वायर फीट की शॉप में आप अपना कोई अच्छा खासा बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर वो कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप एक बड़ा साइज अपने लिए प्लान कर रहे हैं तो आप इस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूरा मॉल आपका सेंट्रलाइज्ड एसी रहेगा। इनफैक्ट इस पूरी लेन में जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ 3 ही मॉल हैं जो कि आपके सेंट्रलाइज्ड एसी कॉन्सेप्ट के साथ बन रहे हैं, जिनमें से आज के टाइम पे सिर्फ एक ही आपका रेडी टू मूव है, ऑपरेशनल है, दैट इज बॉर्ड सिटी मॉल। अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्रोजेक्ट आपका माईवान फ्रेमवर्क के साथ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जो शॉप्स हैं हाई स्ट्रीट अगेन उसमें 90% शॉप्स की विजिबिलिटी है। आपको इस प्रोजेक्ट में अमेनिटीज भी मिल जाती हैं। इनफैक्ट मैं प्राइसिंग की भी बात करूँ तो प्राइसिंग भी काफी ज्यादा डिसेंट है। अगर आप यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग, उसकी स्टार्टिंग कॉस्टिंग अराउंड 53.50 लैक्स रहेगी। ऑफिस स्पेसेस की स्टार्टिंग कॉस्ट अप्रोक्स आपकी 40 लैक्स रहेगी एंड वही अगर आप हाई स्ट्रीट में एक शॉप प्लान करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट अप्रोक्स 1.45 CR रहेगी। सो कॉस्टिंग इज वेरी डिसेंट, प्राइसिंग आपकी बहुत ज्यादा हायर साइड नहीं है। बैंग ऑन आपका 130 मीटर वाइड रोड पर ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। लोकेशन इज ग्रेट, फुटफॉल आपको काफी अच्छा मिलेगा। अराउंड 1 लाख की पॉपुलेशन यहाँ पर विदिन 1 किलोमीटर के रेडियस में रहती है। अगर मैं अराउंड 4 किलोमीटर की बात करती हूँ तो यहाँ पर अप्रोक्स 4 से 5 लाख की पॉपुलेशन रह रही है विदिन 5 किलोमीटर रेडियस, तो फुटफॉल भी आपको काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। प्लस 4 कॉन्सेप्ट्स का बेस्ड है तो एक ही जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, ऑफिस स्पेसेस, स्टूडियोज, मॉल, हाई स्ट्रीट, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन वन सिंगल प्रोजेक्ट। तो कॉन्सेप्ट इनका काफी यूनिक है। प्लस बिल्डर की भी हम बात करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें बिल्डर का बैकग्राउंड जरूर चेक करना चाहिए। Civitec Group is a renowned builder in Noida Extension. Civitec Stadia, Civitec Sampriti, Civitec Florence जैसे प्रोजेक्ट ये सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। Civitec Strings अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। बिल्डर ने बेसिकली अभी जो उनके पास रिकॉर्ड की बात करें तो इनका एक्सपर्टीज रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द बिल्डर हैज वेंचर्ड इनटू कमर्शियल प्रॉपर्टीज आल्सो। सो ये उनकी पहली कमर्शियल प्रॉपर्टी है।
इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट आपका फुली पेड अप लैंड पर डेवलप हो रहा है। लोन आपको यहाँ पर HDFC बैंक से मिल जाएगा। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट Civitex सेंचुरी। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, डू टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं या फिर इसके बारे में कोई भी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, then make sure you hit the like button and don't forget to subscribe my channel Reality 360 Degree for more such videos. Thank you.